चीज। हेलो गाइस, वेदम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परम्यूटेशन की अपनी क्लास को आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं, परम्यूटेशन के और भी टाइप पढ़ने वाले हैं। अब उससे पहले मैं कहूँगा, जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास कंटिन्यूस अपडेट आ सके। तो फ्रेंड गाइस, जो भी है आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। देखिए, टाइप हमारा 7 है। ओरिएंटल शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, जबकि स्वर सदैव विषम स्थानों पर रहें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका टाइप 7 में आज आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुके हैं, टाइप 7 है आपका आज ये। इस टाइप 7 में आपको बोला गया है ओरिएंटल, ओरिएंटल शब्द के अक्षरों कितने अलग अलग तरीके से, ताकि जो आपके स्वर हैं वो सदैव किस पे आए, विषम स्थानों पे आए, मतलब ऑड प्लेसेस पे आए, है ना। तो हम देख लेते हैं, पहले तो काउंटिंग कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 अगर काउंटिंग हो रही, 8 अल्फावेट हैं, तो भाई आधे उसमें विषम स्थान होंगे। अगर आप ये देखो तो ये विषम स्थान, तो ये सम विषम, सम विषम, सम, तो ऐसे 4 विषम स्थान है और 4 सम स्थान है। अब मैं काउंट कर लेता हूँ यहाँ पर कितने आपके क्या है स्वर, मतलब वॉवेल्स, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो भाई आपको क्या करना है, आपको नंबर्स काउंट करने थे, आपके पास है 4, और प्लेसेस भी रिप्रेजेंट रीअरेंज करने के लिए कितने हैं, 4। आपको रीअरेंज भी कितने करने, 4 जगह पर। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, पहले तो आपने ऑड प्लेसेस देखे कितने हैं, 4, ठीक है, कितने हैं 4। अब इवन, इवन प्लेसेस अगर आप देखो तो 4 है, हाँ बिल्कुल भाई 4 है। अब इन चीजों से मुझे क्या समझ में आया दोस्तों, देखो मुझे वॉवेल्स को कहाँ करना है, विषम, विषम स्थान कितने, आर कितना हुआ, कितनी जगह रिप्रेजेंट कर सकते हो मैं, 4 जगह पर अलग अलग तरीके से, वो ठीक है। तो यहाँ पर एन कितने थे और मेरे अल्फावेट्स कितने हैं, 4, तो मेरे को वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पर देखूंगा मैं, 4। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, NPR मेरा फॉर्मूला होता है, उसी को फॉलो करने वाला था, हाँ बिल्कुल करने वाला था। लेकिन यहाँ पर जब NPR फॉलो करोगे तो कैसे होगा भाई, अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग तरीके कैसे होगा देख लेते हैं। वॉवेल्स 4 हैं, हाँ तो हमने लिखा, ठीक है, 4 वॉवेल्स, 4P4, ये किसके लिए है, वॉवेल्स के लिए, क्यों, क्योंकि आपके जो ऑड प्लेसेस थे वो भी कितने थे, 4, तो 4P4 हुआ, हाँ बिल्कुल, N4R4। अब मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या होगा, 4P4। आपको देखो एक चीज और याद रखना, आपको ऐसे व्यवस्थित करना, सब रीअरेंज होंगे आपस में, लेकिन ऐसे व्यवस्थित करना है कि आपके जो स्वर है वो हमेशा विषम स्थान पे रहे। तो भाई 4P4 ये किसके लिए किया मैंने, वॉवेल्स के लिए। बचे कितने मेरे प्लेसेस भाई, इवन प्लेसेस 4 बचे, और बचे हुए शब्द भी कितने थे मेरे पास, 4, क्योंकि 8 अगर मेरे पास है तो अब मेरे पास कितने शब्द बचे हैं, सॉरी शब्द नहीं, मेरे पास कितने अक्षर बचे, अल्फावेट बचे, 4, 1 2 3 4, प्लेसेस भी 4, तो 4P4 × 4P4 ये बचे हुए के लिए हो जाएगा, इवन प्लेसेस के लिए, और जो बचे हुए अक्षर हैं उनके लिए। तो आपका क्या होगा, 4P4 का मतलब फैक्टोरियल 4, 4P4 का मतलब फैक्टोरियल 4, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, 24, और अगर आप ये देखो 24 × 24 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, आप मल्टीप्लाई करके भी आसानी से निकाल सकते थे, कितना आ गया, 576। तो यही आपका आंसर है, बहुत आसानी से हो गया ये। आपको बोला क्या गया था, मैं एक और एग्जांपल दूंगा अभी, इसमें ओरिएंटल शब्द था, इसमें आपको ऐसे रीअरेंज करना था कि सारे स्वर विषम स्थानों पर आए। तो आपने काउंट किए, पहले तो आपके स्थान कितने थे विषम, ठीक है, आर रिप्रेजेंट कितने एरिया में करना है, उसके बाद आपने
मैंने क्या देखा दोस्तों कि मेरे पास अल्फाबेट कितने हैं, वॉवल कितने हैं, वॉवल भी चार थे तो 4P4 भाई उतने विषम स्थानों के लिए हो गया। बच्चे कितने अल्फाबेट, चार बच्चे थे, प्लेसेस कितने बच्चे थे उनके लिए भी चार, 4P4 आपने कर दिया और आपका सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ इसी पे, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। दिल्ली शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सारे स्वर सदैव सम स्थानों पर आए। भाई सारे स्वर, तो पहले तो आप क्या करोगे, स्वर काउंट कर लो, एक दो, ठीक है, कितने काउंट कर लिए, एक और दो, ठीक है। हमारे स्वर किस स्थान पर आना चाहिए और सम स्थानों पर, तो पहले हम प्लेसेस भी चेक कर लेते, एक दो तीन चार पांच, भाई एक विषम स्थान हो गया, तीन विषम स्थान, तो आपके एक तीन और पांच ये जो प्लेसेस हैं ये कौन से हो गए, विषम। तो ऑड प्लेसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस 3, और अगर आप इवन प्लेसेस की बात करोगे 2, वॉवेल 2। आपको दो स्थानों पर दो वॉवेल को रीअरेंज करना, तो आपका क्या होगा, 2P2 हो जाएगा उसके लिए सिंपल, हाँ, क्योंकि आपको सम स्थानों पर रीअरेंज करना, तो आप लिखोगे 2P2 मल्टीप्लाई। बच्चे कितने प्लेसेस, 3, बच्चे कितने अल्फाबेट, 3, कौन कौन से अल्फाबेट बच गए भाई, एक दो और तीन, ये डी एल और एच, और स्थान भी कितने बचे आपके पास, तीन, ऑड प्लेसेस 3 थे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3P3, वो उन स्थानों पर आपस में रीअरेंज हो जाएंगे जो बचे हुए विषम स्थान थे। अब आपका आ जाएगा 2P2 का मतलब 2×1 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3P3 का मतलब 3×2×1, अब 2×3 और × 2, 2×3 6, 6 2 जा 12, तो आपका आंसर कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर 12। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने इवन प्लेस का भी एग्जांपल दे दिया, ऑड प्लेस का भी एग्जांपल दे दिया, आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। और अब हम देखेंगे हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, शब्द अलजेब्रा के अक्षरों को, अलजेब्रा के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि दोनों ए सदैव साथ रहे। कुछ नहीं है, पहले मैं आपके सामने स्पेलिंग लिख देता हूँ अलजेब्रा की, अलजेब्रा। अब इसमें कितने ए हैं, इनको सदैव साथ रहना है, मैं आगे ले लूँ या पीछे ले लूँ, बात एक ही, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलो ये होगा एक यूनिट, जब साथ में होते हैं तो भाई उसे एक यूनिट की तरह हमेशा काउंट करना है। बचा क्या, एल जी ई बी आर। अब आपको क्या बोलना, सदैव साथ में रहें, तो कुछ मत करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है भाई, देखो इसे आसानी से कर सकते हो आप, आपको समझने की ज़रूरत है एक चीज़, चलो पहले हम प्रोसीजर से कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये कितने हो गए, 6, तो हमारा 6P6 होना है, हाँ जी बिल्कुल होना है 6P6, दैट इज़ फाइन फॉर अस, ये हमारे लिए ठीक है। अब इसके अलावा और हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो, क्योंकि एक ही प्लेस पे इन्हें रहना है तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो हम जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो फैक्टोरियल 2 का भी डिवाइड करते हैं, हम वो प्रोसीजर फॉलो कर देते हैं, या आपस में रीअरेंज करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इनके लिए 2P2, लेकिन ये रिपीट भी हैं तो डिवाइड भी किसका होगा, फैक्टोरियल 2 का, तो 2P2 तो हुआ, फैक्टोरियल 2 का डिवाइड भी हो गया। अब 6×5×4×3×2×1, 2P2 का मतलब भी फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 6×5 30, 34 is 120, 123 is 360, 362 is 720। तो फ्रेंड आपका इसका आंसर क्या हुआ, 720। तो फ्रेंड इसमें आपका आंसर क्या है, 720। देखो तो एक चीज आपको फ्रेंड यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये थी, यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी कितने तरीके से होता है, दो तरीके से,
अगर आप देखो तो भाई रीअरेंज करते से कोई फ़र्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। रिपीटेशन वाला भी हम एक चीज़ लगाते हैं, वो हर जगह पर रिपीट होते, लेकिन ये एक साथ आ रहे हैं ना हर जगह, तो इनका ये वाला फंडा अगर आप ना भी लगाते तो भी चलता, लेकिन प्रोसीजर अगर आप ध्यान रखो तो आपको हमेशा ध्यान रखें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं हुआ, आप 6P6 लिखते तो भी आंसर आता, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा, हमारा बकायदा प्रोसीजर फॉलो हुआ कि हमारा ए दो बार रिपीट था तो हमने उसके लिए फैक्टोरियल 2 का डिवाइड किया है। हमारा ए आपस में जब एक पोजीशन पे तो इंटरचेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लिख दिया क्योंकि कैंसिल करना था हमें वहाँ पर, तो उसके लिए भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 720। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए मैं क्या है। इनिशियल शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि प्रारंभिक व अंतिम अक्षर आई हो। मतलब कितने अलग अलग तरीके से, इन हाउ मैनी वेज इट कैन बी रीअरेंज सो दैट द वर्ड विल बी स्टार्टेड बाय आई एंड एंड विद आई ऑलवेज। मतलब इसके कारण आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो सकता है कि सदैव जो आपका जो भी रीअरेंजमेंट होगा उसमें आपका पहला जो अक्षर है वो भी और अंतिम अक्षर दोनों ही क्या रहें, आई रहें, अंतिम और शुरुआती दोनों अक्षर। तो वो देखते हैं हम कैसे कर लेंगे। भाई इनिशियल ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत आसान हो जाते हैं, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, यही स्पेलिंग होती है आपकी इनिशियल की। हाँ बिल्कुल होती है। अब इसमें कोई दो आए तो आपको एक चीज बोली गई है, आपको उन चीजों को चेंज ही नहीं करना है बिल्कुल। एक आई मैंने जो यहां वाला था ये कहां कर दिया, इस पोजीशन पे ले आया। भाई ये क्या हो गया स्टार्ट और ये क्या हो गया आपका एंड, दोनों में आई आई अलग अलग लिख दिया। भाई इन्हें चेंज कर, इनका करोगे क्या आप चेंज? नहीं, इन्हें तो वहीं रखना है, तो हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे ही नहीं बिल्कुल। आपको पोजीशन किसकी चेंज करनी भाई, इसकी, क्योंकि वो लोग तो स्टेशनरी, उन्हें चेंज होना ही नहीं है, स्टार्टिंग आई और एंड भी आई, तो हमें इन्हें चेंज करना ही नहीं है। हम किस पे करेंगे, सिर्फ इस पे 1, 2, 3, 4 और 5। तो मतलब क्या हो गया आपका 5P5, जिसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 5। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 4 = 20, 23 = 60, 62 = 120। तो आपका आंसर हो गया 120 यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। स्टार्टिंग और एंडिंग के जो वर्ड्स थे मैंने, जो सॉरी अल्फाबेट थे वो मैंने लिख लिया, आई आई बचा क्या सेट। इंटरचेंज रीअरेंज कौन से होंगे, जो बाकी के हैं, बाकी ये दोनों तो रहेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग तो आपकी फिक्स हो गई ना, तो आप रीअरेंज करोगे सिर्फ सेंटर कितने थे 5, तो आपने कर लिया 5P5। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा ये वीडियो है पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उनका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा खुद का पेज है जिस मैथ्स विद मयंक, उसमें भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, और ज़्यादा आप तक हमारी रीच बनेगी और आपकी रीच हम तक बनेगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे कहना चाहूँगा नमस्कार, आने वाले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।